हेलो गाइस, मैं हूँ नैन्सी और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सोनी गर्ल पे। सो गाइस, मेरा जो लास्ट वीडियो था वैसलिन के ऊपर था कि वैसलिन को हम अपनी ओवरऑल बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। माइनर चीज़ें होती हैं जो हम वैसलिन से सही कर सकते हैं, जैसे कि हमारे वाउंड्स होते हैं, हमारा मेकअप है, हमारे आई लैशेज, आईब्रोज, हेयर, बहुत सारे वैक्सीन के यूज़ बताए थे मैंने उस वीडियो को। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो ये हो गया हमारा वैक्सीन के ऊपर। आज का मैं वीडियो आप लोगों को, वो भी हमारी ब्यूटी से रिलेटेड है, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, कुछ ऐसे हम लोग गलतियाँ करते हैं अपने फेस के साथ जो जल्दी ओल्ड लगने लगते हैं और हमारे स्किन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। हम लोग को पिंपल, एक्ने, ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा ऑयल, रैशेज, रेडनेस, इन सबको फेस करना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जो आप लोग अगर अपने रेगुलर वे में करते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट मत करिएगा आपसे, बिकॉज दीज स्मॉल थिंग्स डैमेज योर फेस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें आता है कि हम लोग रेगुलर फेशियल स्क्रब यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन और डस्ट हमारे फेस पे आ जाता है, सनटैन हो जाती है, इसलिए हम लोग डेली फेशियल स्क्रब करते हैं। बट ऐसा नहीं करना है आपसे हम लोगों को, क्योंकि फेशियल स्क्रब से रेडनेस, सेंसेशन, स्टेनिंग, इन सब के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारे जो सेल होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, जिनकी वजह से पिंपल और एक्ने और ज़्यादा होने लगते हैं हमारे फेस में। सो हम लोग को क्या करना है, इसका हमें रेगुलर यूज़ नहीं करना है। हर स्किन टाइप के लिए एक अलग अलग प्रोसेस है कि कितने टाइम में और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। और जब भी आप फेशियल स्क्रब करते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड सीड वाला ना यूज़ करिए, क्योंकि उससे हमारी स्किन डैमेज होती है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कौन सी स्किन टाइप को कितनी बार फेशियल स्क्रब यूज़ करना चाहिए। पहले हमारी नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन को वीक में 2 या 3 बार ही स्क्रब यूज़ करना चाहिए फेशियल। ऑयली स्किन वालों को 5 बार कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन नहीं होता है और उनके एक्सेस वो ऑयल आता है। सेंसिटिव स्किन वालों को 1 या 2 बार से ज़्यादा फेशियल स्क्रब नहीं यूज़ करना चाहिए, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो रैशेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये तो हमारे हो गए स्क्रब के ऊपर। अब मैं आती हूँ कि सन टैन के बारे में बात करती हूँ कि हमें अपने स्किन को मॉइस्चराइज, परमानेंट मॉइस्चराइज रखना चाहिए, ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ऑयली नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप उसे परमानेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी और आई बटन पर भी लगा लूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सन टैनिंग के लिए हम लोग को क्या करना है, सन टैन जब हम जाते हैं बाहर धूप में या बीच पर तो हमें परमानेंट सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए अपनी ओवरऑल बॉडी पर, और उसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद रीयूज़ करना चाहिए अगर आप प्रॉपर मार्केट में हैं या प्रॉपर आप धूप में हैं। इससे आपकी स्किन बर्न नहीं होती है और आपकी स्किन का टोन चेंज नहीं होता है, काफ़ी हद तक ये आपकी स्किन को डैमेज होने से बचा सकती है। नेक्स्ट गलती जो हमारी फेस के लिए हम लोग करते हैं वो ये है कि फेस वॉश करने के बाद टावल से अपना फेस रब करके पोंछते हैं, जो हम लोग मोस्टली करते हैं। जल्दी जल्दी में गए टॉवल से इस तरीके से अपना फेस रब करा एंड छोड़ दिया, इससे हम अपने जो पोर्स होते हैं उनको इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी स्किन पे, क्योंकि हमारी स्किन डैमेज हो जाती है उसकी वजह से। सो हमें क्या करना है उसके लिए, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, अपनी स्किन को हमेशा पैड ड्राई करना है। आप एक टॉवल ले लीजिए, उससे धीमे धीमे अपने फेस को पोंछिए और फिर उसे नेचुरल ड्राई होने दीजिए। उसके बाद अपना आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ना भूलिए हमेशा, जब भी आप अपना फेस वॉश करें तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें। इस गलती हमारी आती है कि ये हमारे हेयर से रिलेटेड है कि हमारे हेयर जो होते हैं वो कैसे हमारे फेस को डैमेज करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो रात में हमेशा बाल खोल के सोते हैं, जिससे बाल उनके मुंह पे आते हैं और हम लोग बालों में बहुत सारे शैम्पू एंड कंडीशनर ट्राई करते हैं, हमारे फेस के लिए नहीं होते हैं तो मैं, और हमारे बालों में डस्ट भी होती है, अगर वो हमारे फेस पे पड़ते हैं, वो हमारे फेस को टच करते हैं तो उससे भी पिंपल और एक्ने होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब भी हम रात में सोते हैं तो हमें अपने बालों को एक लोअर बन या प्लेट बना लेनी चाहिए, जिससे हमारे बाल फेस पे ना आए, और ये हमारे बालों के लिए भी अच्छा है। इस पर मैंने ऑलरेडी बेड टाइम पर एक वीडियो बनाया हुआ है, बेड टाइम पर क्या करना है आपको अपने बालों के साथ, कैसे उनको ट्रीट करके कैसे हेयर स्टाइल में सोना है, वो वीडियो भी मैं आई बटन पर लगा लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा।
नेक्स्ट गलती आती है हमारी, क्योंकि हर एक घर में होता है, वो ये है हम लोग जिस जगह पे सोते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने पिलो रखते हैं, जो हमारे पिलो केस होते हैं, पिलो कवर होते हैं, वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हैं। जिस पिलो पे हम सोते हैं उसको हमें हर 2 से 3 दिन में चेंज करना है, डस्ट आती है उसको वो ख़त्म हो जाए, और अगर डस्ट होगी तो हमारे पिंपल और एक्ने होंगे। तो नेक्स्ट गलती हमारी आती है कि अपने मन पे कंट्रोल नहीं होता है, तो हम लोग हेल्दी फूड छोड़ के जंक फूड पे जंप करते हैं। हेल्दी फूड जो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हम लोग वो प्रॉपर नहीं खाते हैं, इसलिए हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। और जब तक हमें न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन्स हमें बॉडी से नहीं मिलेंगे, हमें हमारे खाने से नहीं मिलेंगे, तब तक हमारी स्किन अच्छी नहीं होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर हमारे फेस पर रिंकल वगैरह आ जाते हैं तो उनका है कि प्लास्टिक सर्जरी, उसके बिना वो नहीं जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इंसान वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे बेस्ट वे है कि आप अच्छा खाइए, अगर आप अच्छा खाएंगे तो अच्छा रहेंगे और अच्छी आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, सबसे बड़ी सबसे बेसिक मिस्टेक होती है दैट यू ऑलवेज हाइड योर प्रॉब्लम्स विच यू हैव टू शेयर। आप अपनी प्रॉब्लम्स हमेशा हाइड करते हो, इसी वजह से आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। और कहीं पे भी पढ़िएगा आप, वहाँ पे यही होता है कि अगर हमारे फेस पर पिंपल है या हमारे हेडेक हो रहा है, हमारी फेस की क्वालिटी ख़राब हो रही है, फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल, रिंकल्स आ रहे हैं, तो वो हमें एक टेंशन और डिप्रेशन की वजह से भी होता है। मैंने डिप्रेशन पर वीडियो बनाया है, वो आई बटन पर लगा दूँगी, देख लीजिएगा। तो हमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, ऑलवेज शेयर योर थिंग्स विद समवन, क्योंकि अगर आप जब किसी से अपनी चीज़ें शेयर करते हो तो आपको खुद में एक रिलीफ मिलता है दैट समवन इज़ देयर टू लिसन यू। सो गाइज, ये थे हमारे पॉइंट कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें अपने डेली रूटीन में फॉलो नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हमारे फेस के लिए अच्छी नहीं होती है, जो हमें ओल्ड बना देती हैं। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा कि ऐसा क्या है जो आप इम्प्लीमेंट करते थे, और कौन सी आपकी ऐसी अपनी हैबिट्स हैं जो चेंज करोगे। वीडियो खत्म करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा अगर आप उनकी केयर करते हो। तो तब तक ले चलती हूँ मैं, चाचा बाय बाय।